मुंबई में वर्षों से मिल मजदूरों की प्रलंबित घर की मांग की समस्या पर गठित समिति की पहली बैठक विधायक सुनील राणे की अध्यक्षता में महड़ा के कार्यालय में यह देखिए संपन्न हुई। इसमें 1000 लोगों को घर देने की बात सुनील राणे ने कही है। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद पात्र लोगों को घर दिया जाएगा। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील राणे ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। घरों के बारे में जो समिति के बारे में सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने जो घोषणा विधानसभा में की थी, उस समिति का गठन पिछले सप्ताह में पूर्ण हुआ और उसमें अध्यक्ष के नाते मेरे साथ जो जिम्मेदारी दी उसमें हमारे कोल्हापुर के विधायक सम्माननीय श्री शिवेंद्र राजे, हमारे कोल्हापुर के विधायक प्रकाश आबिटकर, सातारा के विधायक श्री शिवेंद्र राजे और हमारे नायगांव वडाला के विधायक श्री कालिदास कोळंबकर, इनके साथ बाकी की सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति हुई और आज उसकी पहली बैठक संपन्न हुई। ये बैठक में विशेष रूप से चर्चाएं हुई जहां पर मिल मजदूरों के घरों के विषय में प्रलंबित विषय जो बहुत सारे महीनों से चल रहे थे, बल्कि कोरोना के पश्चात कौन पनवेल के घर या फिर बॉम्बे डाइंग और श्रीनिवास की लॉटरी होने के पश्चात पात्रता और अपात्रता की स्थिति में जो घरों की स्थितियां प्रलंबित हो चुकी थी उसके बारे में समिति ने आज निर्णय लेते हुए ये कामकाज हमने आगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इनके मार्गदर्शन के लिए इनके पास हमने भेज दिया है। मुझे लगता है आने वाले महीना डेढ़ महीनों में सबसे महत्वपूर्ण इसे बॉम्बे डाइंग और श्रीनिवास मिलके करीबन 1000 लोगों के घरों की निश्चिति हो चुकी है। करीबन 777 लोगों ने भी पैसे भरे हैं, यानी 1412 को पत्र गए थे, 1390 ने फाइल जमा की, 136 ने पैसे भर के पात्रता भी निश्चित हुई, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हुआ, 777 लोगों ने पैसे भी भरे हैं। सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन होना है, आने वाले महीने भर में माड़ा के माध्यम से उसको गति देने का काम होगा और कामगार मंत्रालय के माध्यम से जहां पर कामगारों की निश्चिति करनी है पात्रता के बारे में उसको निश्चिति को भी गति देने का काम होगा। जुलाई के पहले हफ्ते में सम्माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हाथों से करीबन 1000 मिल मजदूरों को जहाँ पर लॉटरी हुई थी श्रीनिवास और बॉम्बे डाइंग के मिलों के घरों के बारे में, उनको घरों की चाबी देने का निर्णय पूरा होके उनको चाबी दी जाएगी। वैसे ही कौन पनवेल के बारे में निर्णय हुआ, कौन पनवेल के घरों की स्थिति कोरोना के विलगीकरण कक्ष के पश्चात ठीक नहीं थी, उसको रिपेयरिंग करने का जिम्मा माड़ा ने उठाते हुए उसकी निविदा भी उन्होंने निश्चित रूप से तय की है। आने वाले 15 जून तक कॉन्ट्रैक्टर की निश्चिति होके वो घरों की मरम्मत या दुरुस्ती करने का काम शुरू होगा। करीबन कोन में 2009 घरों का प्रश्न है, 2417 की लॉटरी हुई थी तो वो घरों की मरम्मत होने के पश्चात लगातार इसके ऊपर काम करते हुए ये घर जल्द से जल्द हमारे मिल मजदूरों के हाथों में इसकी चाबियां जाए इसका प्रयास होगा। आखिर में रांजगोड़ी और पनवेल की करीबन 2521 घरों का प्रश्न है, वो 2521 घरों के बारे में भी लॉटरी तय करने का हमने निर्णय लिया है। रांजगोड़ी में 1244 जो घर है जिसको मरम्मत करने की आवश्यकता है, जिसके लिए जिम्मेदारी MMRDA ने उठानी चाहिए स्वयं, वहाँ के कमिश्नर श्रीनिवासन जी के साथ बैठक करके ये 1244 घरों की मरम्मत का काम शुरू हो और उसके पश्चात उसकी लॉटरी हो, या फिर रांजगोली शिलोटर और पनवेल के 2521 घरों की लॉटरी भी जुलाई के पहले हफ्ते में हो, ऐसे निश्चिति करने का काम हमने आज पूरा किया। कुल मिला के समिति की बैठक डेढ़ घंटा चली और सभी लोगों ने, प्रशासकीय अधिकारियों ने, माड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। कामगार के आयुक्त सम्माननीय श्री देशमुख जी भी उपस्थित थे, माड़ा के कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनको हम CO कहते हैं तो श्री मिलिंद बोरीकर जी भी उपस्थित थे और आने वाले समय में एक या डेढ़ महीने में ये समिति के कामकाज के परिणाम आप सभी को दिखेंगे। मैं स्वयं हर मंगलवार को और गुरुवार को माड़ा में
जो मिल मजदूरों की पात्रता अपात्रता के बारे में निश्चित करने के जो हमारे यहाँ पर कामगार आयुक्त के अधिकारी आते हैं उनके साथ बैठते हुए जिन कामगारों को ऐसे लगता है कि मैं अपात्र हुआ हूँ या पात्र हुआ हूँ लेकिन मेरे से निश्चित होने का कार्यक्रम पूरा नहीं होता है, तो उसे न्याय देने के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा। और ये समिति आने वाले समय में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारे मिल मजदूरों को अपने हक का और अपने मन का और अपने सपनों का घर वास्तविकता में उतार के उनके हाथों में चाबी देने का प्रयास करें।